गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। आने के बाद हम लोग कोलकाता आए हुए हैं और इधर आओ, हाथ पकड़ो, काफ़ी भीड़ है और सुबह बहुत लेट हो रहा था इसलिए मैंने कुछ सूट नहीं किया जल्दी जल्दी। मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ फिर बात करती हूँ आपसे, पहले इस भीड़ से निकलने दीजिए। एक्चुअली कुछ इमरजेंसी था, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे कोलकाता आना पड़ा। मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई हूँ और मैं आपको अपडेट भी नहीं दे पाई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा लेट हो रहा है, चलो पहले बैठ जाते हैं ट्रेन में। ट्रेन में बैठने के बाद मैंने बोला अब उतर के डायरेक्ट बात करते हैं। और अभी जोड़ों की भूख लगी है क्योंकि सुबह का ट्रेन था अर्ली मॉर्निंग का और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो अभी कुछ नाश्ता करते हैं। और बेटे को पीना है गन्ने का जूस, तो मैंने वो भी बोल दिया है, वो भी रेडी हो रहा है। और मैं अपने लिए ब्रेड ऑमलेट रेडी करवा रही हूँ, तो वो खाऊंगी क्योंकि जोड़ों की भूख लगी है। घर पे तो खाना बना है बट अभी फ़िलहाल कुछ नहीं खाऊंगी, तो ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहा है, तो खा लेते हैं। लो पियो, ये रहा गन्ने का ठेला और ये रहा मेरा बेटा। मम्मा भी एक बाइट ले ले एक बार। हाँ बाबा, अच्छा ही होता है, ठीक लग रहा है। और ये आया मेरा, कर दिए बेटा। मैं घर वापस आ गई हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ फ्रेश होने के बाद, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, उसके बाद सारा अपडेट दूंगी। वो थाली क्यों ला रही हैं? अच्छा वो ग्लास दीजिए तो पानी पी लिया। बाबू को खिया मिठाई खाने के लिए अलग अलग निकालिएगा। हाँ वो इस बार का खिया नहीं है। लाइए आप गिलास ले, पानी पी पाते गिलास था नहीं यहाँ। फिर से आ चुके हैं बाहर, आप मम्मी को देखिए ठंडी लग रही है जबकि कोलकाता में गर्मी आ चुकी है। और कोलकाता में जो रहते हैं उनको तो पता ही है कि कितनी ठंडी पड़ती है यहाँ। हम लोगों को कुछ चीज़ें लेनी थी इसलिए हम लोग बाहर आए हुए हैं, देखते हैं क्या ले पाते हैं क्या नहीं ले पाते हैं। तो चलिए फिर एक बार कुछ दिनों के लिए मार्केट एक्सप्लोर कर लिया जाए। मोमोज खाने और ये यहाँ पे स्ट्रीट फूड है, मतलब लगा हुआ है स्ट्रीट पे और ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे, मतलब यूज़ भीड़ है। देखिए बहुत भीड़ रहता है यहाँ। देयर इज मोमोज, हम लोग एक ही में खाएंगे, खाइए। पता नहीं, कभी ट्राई नहीं किया। सूप भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब आप खा जाइए। हाँ हम तो आपको खिलाने के लिए लाया था। आया है तुम्हारे लिए समोसा आया है, इसके लिए वो गुजिया वाला जो मीठा है वो लाए हैं, ये समोसा थोड़ी खाएगा। हाँ ले 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 ले, खेल रहे हो ना भैया के साथ, मजा आ रहा है ना यहाँ। रुक जाओ, तुम रुको, खिलौना खरीद रहे हैं, आके बैठो इधर। वो क्या कर रहे हो, नाना जी गुस्सा करने लगेंगे। रुको, तुमको डिटेक्टिव बनवा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं घर से बाहर और यहाँ पे चल रही है दी के बेटे की कंप्लेन, जो कि मम्मी मुझसे कर रही है क्योंकि वो इकलौती में इंसान हूँ जिससे वो डरता है। तो मैं वहाँ भी रहूंगी तो मुझे ही कॉल चाहती हूँ।
हाँ दिखा रही हूँ, अब यहाँ पे बदमाशी चल रहा है तो यहाँ दिखाइए। तो दी के पास भी कॉल जाएगा तो दी मुझे ही कॉल करके बोलेगी, और यहाँ भी होगा तो मेरे पास ही कॉल आएगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है, बताइए आप लोग। तो अभी मम्मी उसका सारा पोल खोल रही है कि पीठ पीछे हो क्या क्या करता है। फिलहाल मैं आ गई हूँ घर, हम लोगों को थोड़ी बहुत चीजें लेनी थी वो ले ली। बेटा थोड़ा शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, अभी यहाँ पे मारापीट चल रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल रीजन की वजह से आई हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो इसलिए तुरंत आना पड़ा मुझे, और मैं तुरंत चली भी जाऊँगी, मतलब 4-5 दिन के लिए ही बस आई हुई हूँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई हुई हूँ। क्या रीज़न है वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, बट हाँ कुछ इमरजेंसी था जिसकी वजह से, सीरियस इमरजेंसी था जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा, और बस इसलिए मैं आई हूँ। तो जब आई हूँ तो कोई प्लान तो था नहीं, तो थोड़ा इतना जल्दी आना होता नहीं है, तो आई हूँ तो थोड़ा हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं साथ में, और वही पुरानी चीज़ें वापस से ताज़ा हो गई है और अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला था कि नॉर्मली सबको अपने घर में जाके सुकून मिलता है, बट मुझे मम्मी के पास आके सुकून मिलता है, तो अच्छा लग रहा है। और क्या, और बस हम लोग मस्ती कर रहे हैं और जारी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आई थिंक खाना खाते वक्त, अभी जा रहे हैं हम लोग खाना बनाने, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देख लीजिए बड़ा भाई खिला रहा है छोटे भाई को, और 2 मिनट में अभी मारपीट भी शुरू होने वाला है यार। तीसरा मायूस खेलने शुरू होने वाला है। अच्छा गुदगुदे करने वाला। ओह अच्छा अच्छा, और क्या खिलाया जा रहा है जरा बताया जाए। चीनी बना रहा हूं। देखिए तो अगर आप लोग भी प्यार नहीं करते आपस में तो ये वीडियो देखिए, और देखिए कितने प्यार से भाई खिला रहा है एक दूसरे को, कितना शर्मा रहा है, और हे एक नंबर का चंट। देखिए एक तो बाना जरूरी है। बस यही छोटी छोटी चीजें होती है जो जीवन में बहुत सारी खुशियां लाती है। जब से आया है मेरा छोटंकी, मतलब मेरा बेटा, जब से आया है तब से बड़े वाले बेटों को लग रहा है कि मतलब कोहिनूर का हीरा मिल गया है। वो इतना ज़्यादा खुश है सिर्फ उसको यहाँ देख के, और तब से इतना प्यार किए जा रहा है, और दोनों में बिल्कुल भी नहीं पटती है। ठीक है भाई, तभी मैं आपको ये बता दूँ कि सिर्फ वो अभी आया है इसलिए इतना ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है दोनों में। खैर यही तो रिश्ता होता है भाई बहन का, और क्या बोल सकते हैं। तो बस इस लाइफ को एंजॉय कर लेना चाहिए, जो नहीं करते हैं और झगड़े करते हैं ना वो आगे चल के बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं, इसलिए मेरी बात मानिए और इस भाई बहन के क्यूट से रिलेशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़े हो जाने के बाद ना बहुत मिस करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। फिलहाल मैं मिलती हूँ आपसे रेसिपी मम्मी का सूट करने। हमारा एक करी रेडी हो चुका है बनके, जो कि मम्मी ने बनाया है, और ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, मुझे जोरों की भूख लगी है मम्मी खाना नहीं। और ये आ गया खाना, ये मेरा खाना, ये अनुराग का, और ये रहा बेटा का खाना, और हम लोग अभी खाएंगे इसे, एक रोटी लेते हैं। तो यही चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ, यहाँ पे हम सब साथ बैठ के अभी डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट लंच सब साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग साथ में हैं, तो ये चीज़ मैं बहुत वहाँ मिस करती हूँ। और बस अभी खाएंगे माँ के हाथों का बनाया हुआ खाना, और ऐसा रहा आज का कुछ दिन। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे भी मेरे तरह बोलने का हैबिट हो रहा है देख देख के। चलो खाओ, स्टार्ट स्टार्ट क्या कर रहे हैं। तो मैं रखती हूँ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।